वीवो का सेट है दोस्तों, वीवो का यहाँ पर रियल यहाँ पर मोबाइल है दोस्तों, इसमें अनलॉक हुआ है। और दोस्तों इसमें ट्रिक करके वाइप डाटा में जैसे ही गए हैं, यहाँ पर वाइप डाटा दोस्तों इंटर करने के बाद यहाँ पर 100% दोस्तों रियल मोबाइल के साथ 100% सक्सेस हुआ है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों वीवो का सेट है दोस्तों, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड को कैसे यहाँ पर अनलॉक करना है दोस्तों, ये आपको रियल मोबाइल के साथ दोस्तों रियल ट्रिक करके अप्लाई करके दोस्तों 100% आपको यहाँ पर सक्सेस करके दिखाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर पासवर्ड पैटर्न या पिन लगा कर भूल गए दोस्तों, सेम ट्रिक अप्लाई करके आप यहाँ पर वीवो का दोस्तों Y91, Y91i, Y90, Y93 और Y95 इतने सारे मॉडल का दोस्तों सेम यहाँ पर कोड है, सेम मोबाइल है दोस्तों, और सेम मोबाइल के साथ दोस्तों आप यहाँ पर 100% अनलॉक कर पाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों वीवो का यहाँ पर सेट है, 100% यहाँ पर दोस्तों सक्सेसफुल ट्रिक, सक्सेस मोबाइल के साथ दोस्तों जो ट्रिक है और जो मोबाइल है उसी के साथ 100% अप्लाई करके इसमें अनलॉक करके दिखाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर यदि आप यहाँ पर पावर ऑफ यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं, आपको प्रॉब्लम कहाँ पर फेस करना पड़ता है वो आप भी आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखा देते हैं। पावर ऑफ यहाँ पर करने के बाद दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखते हैं। दोनों को जैसे ही एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर रिकवरी मोड इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे। तो इसको प्रेस करते गए साथ ही दोस्तों आपको आगे में क्या होगा, इस तरह से वीवो तो आ जाएगा। वीवो आने के बाद दोस्तों आगे में आपको यहाँ पर क्या होता है, वीवो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आगे में यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन भी आ जाएंगे। ऑप्शन आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर आधा अधूरा कोड और आप यहाँ पर जल्दी में यहाँ पर इस तरह से वाइप डाटा में जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आपको जो दोस्तों स्क्रीन लॉक है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और विदाउट स्क्रीन लॉक यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आप रिसेट नहीं कर पाएंगे। ये भी आपको यहाँ पर दिखाना था दोस्तों कि आप यहाँ पर आधा अधूरा नहीं, वीडियो को पूरा देख के शुरू से आखिरी तक पूरा कंप्लीट यहाँ पर करें और आपको यहाँ पर सेट को अनलॉक करें। तो इस तरह से रिबूटिंग यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। रिबूटिंग यहाँ पर करने के बाद जब आपका यहाँ पर इसके बाद ऑन हो जाए, ऑन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा स्टेप को ध्यान से और पूरा फ़ोन में अप्लाई करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मोबाइल जो है दोस्तों यहाँ पर ऑन हो चुका है। ऑन यहाँ पर होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे के तैसे ही पासवर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम लोग दोस्तों इसको एक्टिवेट करने के लिए इमरजेंसी में जाएंगे दोस्तों। इमरजेंसी में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर कोड अप्लाई करेंगे। कोड जो है दोस्तों *H3 3 2 6 3 *H8 8 0 *H ये आपको यहाँ पर प्रेस करेंगे। ये प्रेस करने के बाद दोस्तों इमरजेंसी में जाएंगे और ओके करेंगे, और उसको दोस्तों दूसरा जो कोड प्रेस करेंगे दोस्तों *H3 3 8 0 3 उसके बाद दोस्तों *H उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रेस करना है *H के बाद दोस्तों *99 3 0 H और ** यहाँ पर दोस्तों चेंज हो जाएगा, लास्ट में *H और ** आएगा। उस पर दोस्तों ओके यहाँ पर कर देंगे। उस पर इस तरह से यहाँ पर होम की को यहाँ पर प्रेस कर लेना है, और उस पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको गलत पासवर्ड को इंटर करते रहना है कि जब तक कि आपका फॉरगेट का ऑप्शन यहाँ पर ना आ जाए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 4 से 5 बार यहाँ पर करेंगे तो आपको फॉरगेट का ऑप्शन यहाँ पर दे देगा। तो इस तरह से फॉरगेट का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। फॉरगेट का ऑप्शन यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फॉरगेट में यहाँ पर टच करना है। फॉरगेट में यहाँ पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर 2 बॉक्स खुल जाएगा। 2 बॉक्स में आपको कोड जो प्रेस करना है दोस्तों *6789*#5050#*H*। यहाँ पर भी *H और* लगेगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा बॉक्स में प्रेस करना है *4 5 9 8 *0900#. और उसके बाद दोस्तों वेरीफाई कर देना है और इस तरह से ओके यहाँ पर कर देना है। वेरीफाई करके यहाँ पर ओके कर देंगे दोस्तों कोड को। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन को लाना है। एक बार में फॉरगेट का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हैं दोस्तों *6789 8 7 5 3 0 *H 3 4 3 5 और *H। यहाँ पर दोस्तों *1 में हो गया, *2 में दोस्तों *H 3 5 6 7 H
उसके बाद दोस्तों 555 09 *। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहला बॉक्स में जो है इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और वेरीफाई इस तरह से करना है दोस्तों, और ओके यहाँ पर करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जितना जो कोड डाले हैं इसको हम लोग यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए पावर ऑन ऑफ बटन को यहाँ पर प्रेस करेंगे दोस्तों। और कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर फ़ोन को ऑफ कर देंगे। ऑफ यहाँ पर करने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है। दोस्तों और आपका यहाँ पर रिकवरी मोड आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर रिकवरी मोड में जाके वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर ऑन ऑफ बटन की सहायता से दोस्तों हम लोग यहाँ पर आगे जाएंगे। और आगे यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आपको वीवो और इस तरह से आ जाएगा दोस्तों सारा ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों कोड यहाँ पर कैसे एक्टिवेट करें, कोड जो डाले हैं दोस्तों विदाउट एक्टिवेट वो कोड जो है दोस्तों यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो कोड को दोस्तों यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर रिबूट विथ आपको एबू भी जो है दोस्तों यहाँ पर डैमेज लिखा रहा है, इसमें रिक्स है ये भी आपका लिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि गलत कोड डाल के यहाँ पर करेंगे तो फ़ोन भी आपका यहाँ पर डेड हो सकता है। लेकिन सही कोड के साथ कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सेट आपका यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर ऑन हो जाएगा इस तरह से। और आप गलत कोड डालने से दोस्तों यहाँ पर दिक्कत है। तो इस तरह से दोस्तों सही कोड के साथ आप यहाँ पर 100% कोड को सही देख के डालें और यहाँ पर एक्टिवेट करें। तो इस तरह से ऑन यहाँ पर होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से फॉरगेट का ऑप्शन को यहाँ पर लेके आना है। फॉरगेट का ऑप्शन को यहाँ पर लेके आने के बाद दोस्तों आपको कोड को जो प्रेस करना है *#*#, दो बार *#*#, उसके बाद 555 09*#*#55 55 0*#, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको दूसरा बॉक्स में डालना है *#*4 5, उसके बाद दोस्तों 00 9 8*#, उसके बाद दोस्तों 5 6 5 6 *#, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से वेरीफाई करना है और ओके यहाँ पर कर देना है। इस तरह से ओके यहाँ पर करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुली ऊपर नीचे दोनों बॉक्स हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर पावर ऑफ यहाँ पर कर देंगे। पावर ऑफ यहाँ पर करने के बाद दोस्तों पावर ऑफ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर करने के बाद पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे। दोस्तों और आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ देर के बाद जो है आपका रिकवरी मोड यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करेंगे, वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे। तो इसको यहाँ पर प्रेस करते के साथ ही दोस्तों आपका यहाँ पर फिर से वीवो और इस तरह से पावर बाय एंड्रॉइड इस तरह से आ जाएगा। और आने के बाद दोस्तों आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं आपको विदाउट स्किप यहाँ पर आपको किस तरह से वर्किंग करता है। तो इस तरह से दोस्तों आप करके थक चुके हैं, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर वाइप डाटा में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों पहले केक को यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। इस तरह से केक जो है दोस्तों इसको रिमूव करने के बाद दोस्तों इस तरह से केक को यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। और केक को रिमूव करने के बाद दोस्तों वाइप डाटा में जाते हैं और इसको पावर ऑन बटन को प्रेस करते हैं। सक्सेसफुली हम लोग इंटर कर चुके हैं दोस्तों और वाइप डाटा को प्रेस करके सक्सेसफुली हार्ड रिसेट यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर घर बैठे बड़ी आसानी से अक्टूबर 2023 का ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर इस महीना में कोड यहाँ पर 100% वर्किंग है। दूसरा मंथ में कर रहे हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पर वर्किंग नहीं करेगा, इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कोड बोलना है। तो इस तरह से रिबूटिंग यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। रिबूटिंग यहाँ पर करने के बाद दोस्तों वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देंगे और फॉरवर्ड करेंगे दोस्तों, और फॉरवर्ड करके FRP का जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पर बताते हैं। तो इस तरह से दोस्तों फोन यहाँ पर आपका कंप्लीट यहाँ पर हार्ड रिसेट यहाँ पर हो चुका है। हार्ड रिसेट होने के बाद FRP का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों इसको सेट करेंगे FRP को। इस तरह से लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एग्री का जो ऑप्शन है इसको कर लेना है दोस्तों। इस यहाँ पर स्किप कर देंगे। स्किप यहाँ पर करने के बाद दोस्तों गूगल सर्विस को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। गूगल सर्विस को एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों, इस तरह से नेक्स्ट कर लेंगे। इस तरह से स्किप का ऑप्शन कर लेंगे दोस्तों, इस तरह से नेक्स्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट डाटा को इसको बाद में करेंगे और यूज नाउ में प्रेस करेंगे। यूज नाउ में प्रेस करते के साथ ही दोस्तों फोन सही से यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। लाइव प्रूफ यहाँ पर आप